कौन सी गीदर सिंह की सिंघा कर आ रही हूँ उसे? एवी नंबर्स बनवा रहा है अब्बा के सामने, अच्छे बने की एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उसकी तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ। तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ, मेरी माँ वो तो भोले भाले मासूम आदमी है, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। हाँ तुम बता दो क्या गेम खेल रहा है। अब्बा ये रोड पर मुझे डांट रहा था कि मैंने गलत किया और आपके सामने मुझे डिफेंड कर रहा है, ये है इसके डबल स्टैंडर्ड्स। नहीं, जो मुझे ठीक लग रहा था रोड पर मैंने वही किया, बस सरमत भाई के समझाने पर मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया था। हाँ तो उसका मतलब ये हुआ ना कि तुम थाली के बैंगन की तरह इधर उधर डोलते रहते हो, तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है? और तुम्हारे पास जैसे कि दिमाग है, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती हो, तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? तुम चुप नहीं रह सकती? सॉरी मुझे मुनाफ़त नहीं आती। तुम्हें रट्टा लगाने के सिवाय और कुछ नहीं आता, समझी? अच्छे जीपीए का मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज़हीन हो, फतीन हो, और तुम्हें परमिट मिल गया दूसरों को डिग्रेड करने का। सर छोड़ें, समझाया उन्हें जाते हैं जो समझना चाहते हैं। और तुम जो नफ्सियात पढ़ रही हो क्या फायदा, एक बिगड़ी हुई लड़की तुम्हारे आसपास फिर रही है। अब्बा ठीक हो जाएगी। हो चुकी थी, चलो। शक्लें बना रहा मुझे देखकर। देखा सुनिए ना अब्बा ने, तो तुम्हें भी क्या जरूरत है मीस नहीं बनने की अब्बा के सामने, क्योंकि तुम्हारी इतनी चुड़ैल बनी रहा हूँ हर वक्त। कभी कभी तो बन भी जाओ बहन। चलो अब